हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बनाऊंगी मसालेदार तेल मिर्ची का अचार। तो ये मिर्ची मैं सारे धो के अच्छे से पानी को पोंछ के सुखा लिए हैं, क्योंकि पानी नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर लिए मैंने सौंफ, थोड़ा सा ज़्यादा है, देख सकते हैं। 50 ग्राम जीरा है, साबुत जीरा। 50 ग्राम है सौंफ साबुत। यहाँ पर है 10 ग्राम कलौंजी है, सब मैं साबुत ले लिए हैं। यहाँ पर है थोड़ा सा अजवाइन। यहाँ पर है 2 टेबलस्पून मेथी। मेथी ज़्यादा नहीं डालूंगी, कड़वा हो जाएगा। खाली सेंट के लिए थोड़ा सा ही लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पर है 2 टेबलस्पून खसखस। और यहाँ पर मैंने लिए हैं चाट मसाला और लाल मिर्च को फ्राई करके इसका डस्ट बना कर लिए, दोनों एक साथ मिला लिया मैंने। यहाँ पर नमक है और यहाँ पर तेल है। और मैं देख सकते हैं, अब यहाँ पर 2 नींबू लिए हैं और मिर्ची को सारे ऐसे ऊपर का जो इसका ये वाला हिस्सा होता है ये मैं अलग कर लूँगी मिर्ची से। तो पहले मैं सारे को अलग कर लेती हूँ। देख सकते हैं, मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। पहले मैं ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसे मैं ऐसे ही खाली कढ़ाई में इसे फ्राई कर लूँगी। तेल वगैरह कुछ नहीं डालूँगी अभी, अब ऐसे ही इसे फ्राई करूँगी। तब जब तक फ्राई होता है से बीच बीच में मैं मिर्ची का कट लगा लूंगी ताकि आसानी से सारा मसाला इसके अंदर जा सके। देख सकते हैं आप, ये फ्राई हो चुका है। और इसमें से एक अच्छा सा खुशबू आएगा, तभी आपको पता चल जाएगा कि सॉस फ्राई हो चुका है। तब आप कढ़ाई से निकाल लीजिएगा। ऐसे करके मैं सारे जो यहाँ पर लिए हैं इंग्रेडिएंट्स फ्राई कर लेती हूँ। देख सकते हैं, ये 3 मसाला मैंने फ्राई कर लिया, कलौंजी, सौंफ और जीरा। अभी मैं यहाँ पर मेथी डाली हूँ। मेथी मैं ज़रा सा ही ली हूँ, उतना ज़्यादा नहीं लिए हैं, क्योंकि मेथी खाली इसका सुगंध की वजह से लिए हैं। थोड़ा सा ज़्यादा देंगे तो आपका अचार कड़वा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे फ्राई करूंगी। और यहाँ पर देख सकते हैं, मैं मिर्ची को सारे ऐसे बीच में, देख सकते हैं बीच में मैं थोड़ा थोड़ा करके कट लगा लिए हैं ताकि इसके अंदर आसानी से मसाला सारा आए। और मैं यहाँ पर देखिए नींबू को छोटे छोटे पीसेस करके 2 नींबू को काट लिए हैं। अभी ये 2 फ्राई करेंगे, खसखस को और अजवाइन को। और मैंने यहाँ पर और 2 चीज़ नहीं बताया आपको, एक हल्दी पाउडर लगेगा और यहाँ पर 2 टेबलस्पून विनेगर है। आप देखते रहिए इन तक कि मैं कैसे बना रही हूँ अचार। अभी मैं खसखस को फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद अजवाइन को थोड़ा सा फ्राई करूँगी। अब मैं ये सौंफ को मिक्सी में दरदरा कर लूँगी। पूरा डस्ट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा रहेगा तो अच्छा होगा। देखिए, इसे मैंने दरदरा कर लिया है। जीरा को भी डस्ट कर लेंगे। फिर सब अलग अलग करके मैं मिक्सी में डस्ट कर लूँगी। सारे मसाले को डस्ट करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए, सारा मसाला मैं दरदरा कर ली हूँ, मतलब यहाँ पर मैं अजवाइन और खसखस को एक साथ डस्ट कर लिए हैं। यहाँ पर है मेथी, डस्ट कर लिए हैं। और ये सौंफ को मैं दरदरा कर लिया, जीरा पाउडर, जीरा को दरदरा कर लिया और कलौंजी को। अब मैं गैस में कढ़ाई चढ़ाई हूँ, अब इसमें तेल डालूंगी। मैं मस्टर्ड ऑयल डालूंगी, क्योंकि अचार तो ज़्यादातर से मस्टर्ड ऑयल से ही अच्छा बनता है। तो मैंने यहाँ पर, आप जितना ज़्यादा तेल इसमें डालेंगे उतना ही अचार अच्छा रहेगा। और आप जितना तेल रखना चाहते हो अचार में उतना ही रखें, और ज़्यादा अगर देंगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
वो भी यूज हो जाता है। तो मैं अभी तेल में ये मिर्ची को डाल दूंगी, ज्यादा नहीं इसे पकाना है। क्योंकि सारे के घर में धूप का प्रॉब्लम होता है, सारे अक्सर धूप में डाल नहीं पाते हैं। जिसका घर में धूप नहीं आता है तो वो क्या करे, तो ऐसे ही गैस में थोड़ा सा पका ले तो ये खराब नहीं होगा। और मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें अभी नमक डालूंगी और मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डालूंगी। थोड़ी देरी में मैं इसे चलाऊंगी, तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा। आप नमक इसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा चटपटा सा होगा। थोड़ी देर ढक देंगे इसे। मैंने फ्लेम को फुल फ्लेम कर दिया है, थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं कि जल्दी ये थोड़ा सा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो मैं इसे बंद कर दूंगी। ये ज़्यादा दिन आपके रहेंगे इसलिए थोड़ा सा गर्म कर रहे हैं, नहीं तो अगर धूप में आप डालते तो ये कढ़ाई में गर्म करने का कोई ज़रूरत ही नहीं होता। जिसके घर पर धूप आता है वो कढ़ाई के बिना ही बना लीजिएगा, और धूप में डालेंगे तो बहुत दिन आप उसे रख सकेंगे। को बंद कर दूंगी और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। देख सकते हैं मैं इसे निकाल ली हूँ इस बाउल में। अब मैं इसमें और तेल डालूंगी, डिप करूंगी तेल में इसे। और मिर्ची अभी गर्म है तो तेल भी डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा तेल में डिप रहेगा तो ये अच्छे से नरम भी होगा। धूप में नमक हल्दी लगा कर एक दिन रखना चाहिए था, तो ये नरम हो जाता है मिर्ची। धूप नहीं है इसलिए मैं कढ़ाई में थोड़ा सा इसे नरम कर लिया है। अब मैं इस पहले डालूंगी ये नींबू, इसके साथ ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस को डाल दूंगी क्योंकि नींबू का एक हल्का सा सुगंध होता है, खट्टा भी होता है जो आ जाएगा मिर्ची के अंदर। और इसमें मैं अभी डालूंगी ये जो मेथी को मैंने डस्ट करके रखे हैं, मेथी को डालूंगी क्योंकि सारा फ्राई है, तो ऐसे में डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही डाला जाता है अचार में। फिर मैं ये जो अजवाइन और खसखस को डस्ट किए थे वो डाल दूंगी सारा, एक बार इसे मिला लेते हैं। फिर मैं इसमें डालूंगी सौंफ, मैं फ्राई करके दरदरा करके पीसे थे सारे डाल दूंगी। मसाला ज़्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें आपका अचार और भी अच्छा बनेगा। फिर मैं इसे में डालूंगी कलौंजी जितने लिए थे वो सारे डाल दूंगी। सारे फ्राई करके पिसा हुआ है मिक्सी में। अब मैं ये जीरा पाउडर सारा डाल दूंगी और इसे अच्छे से पहले मिला लूंगी। ऐसे में भी आप कढ़ाई में गैस पे बनाए हैं तो फिर भी आप इसे धूप में डाल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि आप इसको धूप में नहीं डाल सकते हैं। मैं इसमें और थोड़ा सा तेल डालूंगी क्योंकि मसालों को भी पूरा से इसे इसके साथ मिलाना है। जैसे मसाला तेल और आम को ऐसे बनाते हैं वैसे ही ये मिर्ची का हो गया है। और इसे आप 10 से 15 दिन ऐसे ही छोड़ दीजिएगा क्योंकि इसके अंदर सारा मसाला खट्टा सब जाएगा तो खाने में स्वाद आएगा तो अच्छा लगेगा। और फिर मैं यहाँ पर देख सकते हैं, अब मैं जो विनीगर लिए थे 2 टेबलस्पून वो मैं डाल दूंगी।
विनीगर डालने से क्या होता है, थोड़ा सा इसका जो खट्टास होता है वो भी आ जाता है इसमें, और आपका अचार बहुत दिन सही रहता है, ख़राब नहीं होता है। यहाँ पर जो मैंने चाट मसाला और थोड़ा सा मिर्ची को फ्राई करके रखे थे और उसको डस्ट किए, वो भी इसमें डाल दूंगी और अच्छे से मिला दूंगी। इसमें जो खट्टास आएगा चाट मसाले से आएगा और विनीगर से आएगा, और नींबू जब इसमें पूरा रेडी हो जाएगा तो उसका खट्टास मिर्ची में आ जाएगा, तब इतना तीखा नहीं रहेगा मिर्ची और स्वादिष्ट भी लगेगा। और ये अचार अभी रेडी हो गया है, एक दो दिन आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, फिर आप खाइएगा तो वो और भी आपको अच्छा लगेगा। और फिर जब ये पूरा टोटली बन के रेडी हो जाएगा तो आप इसे पराठे के साथ, रोटी के साथ, ऐसे कि आप चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा ये रेसिपी आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ज़रूर। और जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं वो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करने मत भूलिएगा, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो बाय फ्रेंड्स।